हाय दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र गुप्ता। फिर से अपने उपेंद्र गुप्ता टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिंपली यह बताने वाला हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करने जाते हैं और उस समय आपका जो फुल फोटो होता है वो कट के अपलोड होता है, तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊँगा कि आपके इंस्टाग्राम पे अब अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, आप भी अपने फोटो को फुल फ्रेम में अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो कैसे, तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो इस तरीके से इंटरफेस आता है और यहाँ पे मैं प्रोफाइल वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो जो है इस तरीके से मैं पूरा फुल फ्रेम में अपलोड किया हूँ। अगर आप अपलोड करने जाते होंगे तो यहाँ पे फोटो कट के अपलोड होता होगा। तो कैसे इंस्टाग्राम में फुल फ्रेम में फोटो को अपलोड करें, मैं आज के वीडियो में वही बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे एक फोटो लेता हूँ। जैसे एक फोटो लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फुल फ्रेम में इस तरीके से फोटो है, पर ये जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो ये कट जाता है नीचे का हिस्सा, और जैसे मैं इसको भी प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से कट कट के जा रहा है। तो मुझे इस फोटो को काटना नहीं है, पूरा फुल फ्रेम में अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे आज की वीडियो में वही बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको गैलरी खोल लेना होगा, और गैलरी खोलने के बाद यहाँ पे सब इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे और आपको जो इमेज को अपलोड करना है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं शेयर का बटन दिखाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सब एप्लीकेशन शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके बगल में जाना होगा। तो जैसे बगल में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मैं डाउनलोड किया हूँ। तो यहाँ पे मैं स्नैपसीड को डाउनलोड किया हूँ, तो आप भी स्नैपसीड को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसी को खोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नैपसीड आ गया मेरे मोबाइल में। स्नैपसीड नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पे जाके स्नैपसीड को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के मदद से आप अपने फोटो को फुल फ्रेम में अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पे मैं इस पर शेयर करके जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसको प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये फोटो स्नैपसीड में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंड करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि जिसके वजह से आपका फोटो जो है पूरा फुल फ्रेम में अपलोड हो, तो यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे कर देना है, इसको बाजूम कर देना है, इसको भी बाजूम कर देना है, और ये वाला हिस्सा को ऊपर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सही का ट्रिक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। तो डन करने के बाद आपका फोटो फिर से गैलरी में सेव हो जाता है। जैसे गैलरी में सेव होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो दिखाने लगा। अब इसको कैसे अपलोड करें कि जो कि आपका पूरा फुल फ्रेम में अपलोड हो, तो यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना इंस्टाग्राम खोल लिया और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये फोटो सेलेक्ट हो गया है, और इसी फोटो को मैं अपलोड करना चाहता हूँ। अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं उस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले नहीं आ रहा था पूरा फुल फ्रेम में, अब पूरा फुल फ्रेम में आने लगा। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करके अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा था कि पूरा फुल फ्रेम में अपलोड कैसे करें। तो इसी तरीके से आप स्नैपसीड के मदद से आप फुल फ्रेम में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो बाय दोस्तों, फिर से एक अगले वीडियो में मिलता हूँ।